हेलो इंजीनियर, आप सबका स्वागत है सिविल गुरु द सिविल इंजीनियर ट्रेन में। मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आज देख रहे हैं सिविल गुरु जहाँ सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है कि सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इंजेंस कर सकता है। आज मैं देखिए ट्रेन इंजीनियर साथ यहाँ साइड पे आए हुए हैं। आज हमारे ट्रेन इंजीनियर आपको बताएंगे जो हमारा कॉलम जो आपको दिख रहा है, कॉलम में कास्ट करने में हमारा कितना सीमेंट लगा हो, कितना हमारा सेंट लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। क्योंकि इंजीनियर अगर आप भी एक साइट इंजीनियर हैं तो आपको क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि साइट पर कॉलम का क्वांटिटी होने वाला है तो कितना उसमें सीमेंट का यूज होने वाला है, कितना सेंट का यूज होने वाला है, कितना एग्रीगेट का यूज होने वाला है। तो आज मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप भी सीख जाइएगा कि सीमेंट सेंट का और एग्रीगेट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो इंजीनियर हमारे इस कॉलम का मेजरमेंट ले लिए हैं और उसके साथ हमारे क्वांटिटी निकालनी है। तो आइए अपने इंजीनियर से मिलते हैं और जानते हैं कि सीमेंट सेंट एग्रीगेट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो इंजीनियर हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये नाम बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं यहाँ सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग करने के लिए। हेलो, मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ। तो यहाँ साइज पे आके कॉलम का क्वांटिटी कैसे निकाले? कॉलम का साइज जैसे कि मेरा दिया हुआ है 0.35 × 0.5 × 3, ये मेरा कॉलम का डायमेंशन है। मैंने कॉलम का आपका साइज हो गया 0.35 × 0.5 मैंने 350 × 500 का आपका क्या है कॉलम का साइज है और 3 मीटर आपका क्या था ये हाइट है। इस कॉलम को हमारा कास्ट करने वाला कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट निकलेगा बता सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम का कितना वॉल्यूम होगा टोटल वो निकालेंगे। मैंने सबसे पहले हम लोग ड्राइव वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले हम लोग फिर इसमें हम लोग सीमेंट और सीमेंट डालेंगे, सैंड डालेंगे, एग्रीगेट डालेंगे और पानी डालेंगे। जब पानी इसमें डालने के बाद ये हमारा कहलाएगा वेट कॉन्क्रीट, मतलब वेट वॉल्यूम हमारा होगा। तो वेट वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ड्राई कोफिशियंट जो कि हमारा 1.54 हम लोग लेते हैं कॉन्क्रीट का, उसके बाद हम इंटू कर देंगे ड्राई वॉल्यूम से। तो ड्राई वॉल्यूम आप कैसे निकालें एक बार बता सकते हैं? ड्राई वॉल्यूम जैसे कि मेरा वॉल्यूम हो गया, ये मेरा 0.35 मेरा लेंथ हो गया, 0.5 विड्थ हो गया और 3 हाइट हो गया, इससे मेरा पूरा वॉल्यूम निकल गया 0.525 मीटर क्यूब। इसके बाद आपने वेट वॉल्यूम निकाला ड्राई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। यस, तो ड्राई कोफिशिएंट हमने कितना लिया 1.54। मैंने एग्रीगेट अगर हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो कॉन्क्रीटिंग हमारा कितना हो गया, ड्राई कोफिशिएंट हमारा हो गया 1.54। तो आपका वेट वॉल्यूम कितना आ गया 0.808 आपका आ गया, ये मेरा वेट वॉल्यूम निकल गया 0.808 मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे। तो सीमेंट जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस कॉन्क्रीट में M25 यूज कर रहे हैं। तो M25 में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 1:1:2, ये मेरा सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया, ये एग्रीगेट हो गया। मतलब 1:1:2 हमारा हो गया, एक सीमेंट एक सैंड और दो हमारा क्या हो गया एग्रीगेट हो गया, दो एग्रीगेट हो गया। तो इसमें हम लोग क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जैसे निकालेंगे, जैसे कि मेरा निकला था वेट वॉल्यूम 0.808 बाय सम ऑफ रेशियो इंटू वन मेरा क्या हो गया, ये मेरा पार्ट ऑफ सीमेंट हो गया। इससे हम लोग को पूरा सीमेंट का क्वांटिटी निकल गया जो कि मेरा मीटर क्यूब में निकला। अब हम कितना आया था मीटर क्यूब में आपका 0.202 आपका मीटर क्यूब आपका आ गया। अब केजी में कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि हम लोग ये मेरा मीटर क्यूब में निकल गया, अब इसका अगर हम डेंसिटी से गुना कर देंगे तो ये मेरा केजी में निकल जाएगा। जैसे कि मुझे पता है कि सीमेंट का डेंसिटी 1440 मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब होता है, इससे मेरा केजी 290.88 केजी निकल जाएगा टोटल सीमेंट का क्वांटिटी। अब इसके बाद हम सैंड का क्वांटिटी, इसके बाद सैंड का उसी तरह जैसे कि मैंने किया था 0.808 बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1, इससे मेरा ये निकल जाएगा मीटर क्यूब में। अब 0.20 आपका आ गया मीटर क्यूब, 0.202 मीटर क्यूब में। अब इसमें हम लोग 35.31 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्यूबिक फीट में निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग सैंड बाहर से मंगाते हैं तो वो CFT में मंगाते हैं, मतलब क्यूबिक फीट में, क्यूबिक फीट में मंगाते हैं। मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से क्या कर दिए हम, इंटू कर मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा यहाँ क्यूबिक फीट आ गया। उसी तरह फिर हम लोग एग्रीगेट का बात करेंगे तो एग्रीगेट का भी उसी तरह हम लोग ड्राइव वॉल्यूम बाय सम ऑफ ऑल पार्ट इनटू एग्रीगेट का पार्ट, इससे हम लोग को टोटल मीटर क्यूब निकल जाएगा 0.404 मीटर क्यूब। अब इसी तरह हम लोग 35.31 से इंटू कर देंगे CFT निकालने के लिए, तो मेरा टोटल 14.26 CFT एग्रीगेट निकलेगा। मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा कॉलम में हमारा जो कॉन्क्रीटिंग होगा उसमें हमारा कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट निकलेगा, इस तरह से निकालेंगे। अगर आप साइट पर जाते हैं तो आपको साइट पर कैलकुलेशन करना होगा कि अगर आपके पास 10 कॉलम हो गया या 12 कॉलम हो गया और सब कास्टिंग होना है तो उसमें कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा वो आप निकाल सकते हैं। उसी तरह जैसे हमने अभी एक कॉलम का निकाल दिया, मान के चलिए एक ही डायमेंशन का 10 कॉलम दिया है, तो हम लोग 10 इंटू करके पूरा
दसों कॉलम का मैंने इंटू 10 कर देंगे तो हमारा 10 कॉलम का निकल जाए। तो यहाँ सिविल कोर्ट जी में आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा, लग रहा है कि हाँ सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यहाँ वाकई हम लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। हम लोग साइट पे जा जाके सीख रहे हैं, हर एक पार्ट हर एक चीज साइट पे जा जाके सीख रहे हैं। जैसे ही देखिए हमारे दूसरे ट्रेनिंग इंजीनियर सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं सिविल कोर्ट में ट्रेनिंग करने के लिए? मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं अर्बन डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ मैं सिविल गुरु जी पटना ब्रांच में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तो आपको सिविल गुरु जी में आने के बाद कैसा फील हो रहा है, अगर जोर से बता सकते हैं, सीखने के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना बढ़ चुका है यहाँ सिविल गुरु जी में आने के बाद? स्टार्टिंग से तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, लेकिन जब जब हमारा जैसे जैसे हमारा क्लास चलते जा रहा है, आगे जाते जा रहा है, वैसे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ते जा रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट जाने के बाद आपको यहाँ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला? बहुत मिला सीखने के लिए। जैसे यहाँ पे जैसे कहीं भी अगर कॉलेज वगैरह में आप कर रहे हो तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे है कि प्रैक्टिकली सब कुछ कराया जाता है, साइट पे जाकर विजिट करा कर प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है, जो कि सबको पता है प्रैक्टिकल सीखने पर ज़्यादा नॉलेज होता है और आप अच्छे से सीख भी सकते हो। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यूअर्स को क्या बोलना चाहिए, सिविल कोर्ट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप परेशान हो, मतलब अगर आप नहीं जानते हो, ये सब में प्रॉब्लम हो रहा है कॉलम वगैरह निकालना, जैसे कि जहाँ पे मतलब हम लोग जितना भी अभी तक प्रैक्टिकली किए हैं, सर्वे वगैरह सब कुछ, मतलब आप इजी वे में सीख जाओगे। तो इंजीनियर देखिए, जो हमारे इंजीनियर्स आपको बताएं कि अगर हमारा कॉलम का यहाँ कंक्रीटिंग होने वाला है तो कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। जैसे कि जो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं, आपको बताएं कि अगर आप हताश हैं, परेशान हैं, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, तो आप सिविल गुरु जी का हाथ थामिए और अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक जाइए, क्योंकि इंजीनियर्स आज कंपटीशन का दौर हो चुका है। अगर आप सीखिएगा तभी आपको आगे चलकर प्रमोशन होगा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो इंजीनियर्स बिना देर किए हुए कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपनी सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं या अपने करियर में ग्रोथ कैसे पा सकते हैं। तो मिलता है ऐसे जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।